सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। माई सेल्फ अभिषेक सानू एंड वेलकम टू अभिषेक सानू ब्लॉग्स। गाइज, वेट इज ओवर नाउ, और जिसका हमें इंतजार था वो पल आ चुका है। हमारे अलग सर ने कल एक अनाउंसमेंट किया है, वो देखिए। कहते हैं बच्चों, आप सभी लोग, हम सभी लोग आ गए, और बहुत दिन से स्पैमिंग चल रही थी, कमेंट्स चल रहे थे उम्मीद के, और आज फाइनली उम्मीद बैच लेके हम लोग आ गए, उम्मीद 2.0 लेके आ गए, विद हमारी जितने लोग प्रेजेंट हो सकते थे उतने सारे लोग यहाँ पे हैं, और उम्मीद हमारी स्टार्ट हो रही है 11 अप्रैल से। सो आपको अनाउंसमेंट से तो पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। टुडे इज माय वेरी फर्स्ट डे इन उम्मीद 2.0, और अभी बज रहे हैं दिन के 2, और शाम 5 बजे से लेक्चर स्टार्ट होनी है। तो अभी मैं तो अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज लेक्चर में क्या होता नहीं होता। सर, आज फिजिक्स की पहली क्लास है, तो उस क्लास का मैं अभी बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। 3 hours later, तो फाइनली क्लास स्टार्ट होने में थोड़ी देर बाकी है। उससे पहले मैं एक छोटा सा स्नैक्स लेता हूँ ताकि लेक्चर के बीच में मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो और लेक्चर स्मूथली चलती रहे। A few moments later. दावेदारी ठोकने की, मेरी सीट है ये, मैं लेगा ये, इसे कोई और नहीं ले सकता, ये मैं लेगा, मैं ऐसे मौसम कंप्लीट कराऊंगा, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कराऊंगा, बेहतरीन तरीके से गर्दा उड़ा देंगे। किसका किसका? इन सभी टॉपिक्स का। और बेसिक्स क्लास स्वेल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एंड फाइनली वेक्टर्स। सो हे गाइज, फाइनली मेरी क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और अभी हमारे सर हैं सतीश मिश्रा सर, जिसे आप SM सर के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आज ये मेरा पहला दिन है, तो आज जो है हमें बेसिक मैथ से स्टार्ट किया है, और आज हमारे सर बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वेक्टर्स भी कम्प्लीट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उम्मीद कौन सा बैच है, तो मैं बता दूँ, उम्मीद पिछले साल भी आया था जिसमें बहुत सारे लोग इनसे सेलेक्ट हुए थे, और इस बार सर ने फिर लॉन्च किया है उम्मीद को। अगर आप चाहते हैं तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। YouTube पे एक चैनल आता है कंपटीशन वाला के नाम से, उस चैनल पे आप जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको डेली बाय डेली शाम 5 बजे लेक्चर स्टार्ट होती है, जो कि लाइव क्लास होती है, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अब ये बैच किसके लिए है, तो ये बैच सभी ड्रॉपर्स के लिए है, और जो फर्स्ट टाइम जिसे रिविज़न करना हो वो भी ले सकते हैं ये बैच। और अगर आप मुझसे पूछें तो आपने ये बैच क्यों ज्वाइन किया, तो मेरा मेन मोटो इस बैच को ज्वाइन करने का है कि मैं रिवीजन करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं यकीन 2.0 में हूँ, लेकिन इस बैच से मैं डिसिप्लिन के साथ रिवीजन कर पाऊँगा, इसलिए इस बैच को मैंने ज्वाइन किया है। ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको किसी भी पेमेंट करने की किसी को ज़रूरत नहीं। सो फाइनली अभी 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, और सर ने अभी एक ब्रेक टाइम दिया, तो इस ब्रेक टाइम में मैं जा रहा हूँ डिनर के लिए। और जो है ना, पढ़ा तो बहुत मस्त रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मैं जितना भी रिवीजन करना चाह रहा हूँ उससे ज़्यादा ही करवा रहे हैं, और क्वेश्चन बीच में करा रहे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। तो अभी तो मैं चल रहा हूँ डिनर के लिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सो गाइज, फाइनली मैं डिनर इज ओवर, और अभी मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं आपसे बात करूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मैं इसे 1.5 के स्पीड से मैं देख रहा हूँ, और जल्दी जल्दी से मैं कंप्लीट करता हूँ। तो गाइज, अभी सर स्लोप करा रहे हैं, और स्लोप में जो है मुझे थोड़ी सी डाउट था, तो वो डाउट भी मेरा धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। और गाइज, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम नज़दीक आ रहा है एग्जाम का, एंग्जाइटी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, ये डर सा भी लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन डर के कोई फ़ायदा है नहीं, पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो ऐसे डरते डरते तो फिर साल ही निकल जाएगा यार। A few moments later. बात बात कर लो उनसे भी, है ना? बात नहीं कर पाए, पढ़ रहे हो लादा, ठीक है? फिर आओ मिलते हैं, चलो। यहाँ पे मिला हमें सेकंड ब्रेक, और अभी बज रहे हैं 10:15,
और लगातार कंटिन्यूसली पढ़ाए जा रहे हैं। 5 घंटे हो गए, 5 बजे स्टार्ट किया था, 5 बजे से 5 घंटे 10 बजे तक अभी तक हो चुका पड़ा है, और पता नहीं अभी कितना लेक्चर चलेगा, शायद 1 घंटा और चलेगा, खत्म हो जाएगा 11 बजे तक, मतलब 6 घंटे का लेक्चर है। तो अभी तो ब्रेक है, तो मैं थोड़ा सा लेक्चर में वो पूरा 8 घंटे में कंप्लीट करे जा रहे हैं। तो बैच तो काफ़ी मस्त है, इसमें आराम से आप रिवीजन भी कर सकते हो, साथ साथ जो पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कॉन्सेप्ट भी आप इसमें आगे पूरे कर सकते हो। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, एस एम सर से पढ़ के बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा लंबा लेक्चर होता है लेकिन क्या कर सकते हैं, लंबा लेक्चर है क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें देखो बेसिक मैथ्स और वेक्टर दोनों कंप्लीट कर लिया, इसीलिए 8 घंटे का लेक्चर है। फिर भी जो भी है करना तो है ही। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड करता हूँ, और अभी मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है तो मैं यहाँ पे सोऊंगा, और मिलते हैं आपसे जल्दी कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, अपना ख्याल रखें, ओके बाय।